कुशीनगर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक और लिस्ट जारी की है। बता दें कि इसमें दो उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एक ओर जहां कौशाम्बी लोकसभा सीट से पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैंतवार को उम्मीदवार बनाया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र सरोज राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में विरोध भी देखने को मिला था। वहीं सपा का एक धड़ा पार्टी मुखिया से मिलने लखनऊ भी पहुंचा था और सियासी गलियारों में इस मुलाकात की काफी चर्चा भी हुई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। 80 में से 63 सीटों पर सपा और 17 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सपा अभी तक कई सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी।